नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज अपने साथ मौजूद हैं कालू भाई। कालू डेयरी फार्म के ओनर हैं और भाई का सेल परचेज का काम है, गाय और भैंसों की भाई खरीद बेच करते हैं। सामने स्क्रीन पर जो आपको गाय दिखाई दे रही हैं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। पता करेंगे भाई के पास एनी टाइम कितनी गाय बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं, सारी जानकारी भाई से लेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल पर पशुओं से संबंधित ही वीडियो समय समय पर डालते रहते हैं, आप चैनल पर जाकर पशुओं से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो जरूर कर दें। कालू भाई का जो नंबर है वो स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, आप भाई से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अपने पशुओं की वीडियो डलवानी हो तो ऊपर नंबर है, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गायों की डिटेल पता करते हैं, आप बने रहें वीडियो के अंत तक। क्या हाल कालू भाई? नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और कालू भाई काम धंधा बहुत अच्छे है जी, कृपा है जी, बढ़िया होना चाहिए। अच्छा कालू भाई, वैसे तो कंटिन्यू अपनी वीडियो आ रही है, सभी भाई जानते हैं, जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जानकारी होगी। सबसे पहले तो अपना फोन नंबर बता दो भाई। फोन नंबर है जी 9815786135। ठीक है। 86315। ठीक है। हाँ जी। तो कालू भाई अपना सेल परचेज का ही काम है? हाँ जी, सेल परचेज का ही। गाय का या भैंसे भी? गाय का भी है जी, भैंसे का। ठीक है। एनी टाइम अपने फार्म पे कितनी गाय और भैंसे होती है? मान के चलो जी 8 से 10 भैंस होती है, 10 से 15 गाय होती है। ठीक है। नस्ल? नस्ल HF जर्सी। अच्छा। जैसी डिमांड होती है कस्टमर की, ठीक वैसी मिलेगी। ठीक है। किस प्राइस की ज्यादा रखते हो? ये नॉर्मली होता है सर, मान के चलो के 50,000 से लेके 80-90 लाख तक होती। चलो। हाँ जी। तो कालू भाई फोन नंबर? फोन नंबर है 9815786315। ठीक है। क्योंकि राजू भाई आपको पता ही है कि हर एक वीडियो में बोलते हैं कि कोई भी कस्टमर है वो भगवान का रूप है। ठीक है। किसान भाई अपने पे विश्वास करते हैं। हाँ। उनका ऐसा नहीं है कि जो उनकी डिमांड होती है, जो उनका बजट होता है। हाँ। जो उनका प्रोसेस होता है। हाँ। वो ये नहीं है कि कालू डेयरी फार्म के आके उनका पूरा नहीं होगा। हाँ, ठीक है। कालू डेयरी फार्म पे आके जैसा भी बजट है, जैसी भी क्वालिटी चाहिए, वैसी गाय मिलेगी। 50,000 से लेके चाहे 1.5 लाख तक की गाय ले। ठीक है। हाँ जी। तो कालू भाई अभी मौके पे अपने पास कितनी गाय? मौके पे 5 है सर। 5 गाय? हाँ जी। तो ताजा भाई है कैसे? नहीं, गबन है सर, प्रेगनेंट है। प्रेगनेंट है? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो सबसे पहले कालू भाई कौन सी गाय की डिटेल बताओगे? ये बताएंगे सर, ये दिखाते हैं। हाँ जी। ये 4 दांत है सर मुंह से। अच्छा। पहला दांत है, 4 दांत है। अच्छा। फेस क्वालिटी देखो राजू भाई, बहुत ही शानदार है। अभी कच्ची है ये, 7 रोज की। अच्छा, 7 दिन में बच्चा देगी? बच्चा देगी राजू भाई। हाँ। फेस क्वालिटी, अडर क्वालिटी देखो। हाँ हाँ। अन क्वालिटी और भी टाइट करेगी। हाँ हाँ। ये ऐसा नहीं है कि लूज पड़ा, ये आप खुद देख सकते हो। अच्छा अच्छा। कलर क्वालिटी गाय की बहुत ही शानदार है। अच्छा अच्छा। बॉडी वेट देख सकते हो। हाँ हाँ। शाइनिंग देखो गाय में। ठीक है। ठीक। अभी नहलाने दहलाने वाली है, आपको पता है कि मंडी पूरा निकल गया। ठीक है। आंचल देखो बहुत ही शानदार है। ठीक है। पूरी क्वालिटी का अडर है, ऐसा नहीं है, पिंक कलर की है। ये देखो आंचल देखो, बहुत शुद्धि गाय है। पीछे से भी देखो, अभी कच्ची है, लूज है, अभी 7-8 रोज ले रही है गाय। ठीक है। ठीक है। ऑर्डर बहुत ही शानदार बनाएगी राजू भाई। ठीक। पता तो दोस्तों पहले नंबर पर भाई जो आपको गाय चला के दिखा रहे हैं, ऑर्डर की क्वालिटी काफी बढ़िया है, काफी शानदार है, काफी सुंदर ऑर्डर है, दूध बढ़िया निकालेगी। बाकी डिटेल कालू भाई से पता करते हैं, किस मोल भाव की है, दूध कितना निकालना चाहिए। हाँ कालू भाई, ये कौन से ब्यांत में? ये फर्स्ट ब्यांत है राजू। फर्स्ट ब्यांत? हाँ जी। 4 दांत है मुंह से। अच्छा, 4 दांत। हाँ जी। कितना टाइम बाकी है? अभी 7-8 रोज ले रही है। 10 दिन ले जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। दूध कितना निकाल देना दूध चाहिए? राजू भाई अनुमान इसका ऐसा है कि 25 तो जाएगी पलू में, निकाल देना। हाँ जी। ठीक है। हाँ, अडर क्वालिटी बहुत शानदार है सर, बॉडी वेट बहुत बढ़िया, खून पानी वाली बछड़ी है सर। अच्छा। हाँ जी। तो इसकी डिमांड? डिमांड सर जो हमारी बेचने वाली है 60,000 की छोड़ दे। 60,000? हाँ जी। 60,000 तो जेन्युइन है। हाँ, बहुत शानदार है सर, क्वालिटी देखो बछड़ी की ना, फेस क्वालिटी देखो। ठीक। ये देखो ना फेस क्वालिटी, गाय सुंदर है बहुत, अभी नहलाने दहलाने वाली है सर, चमक बहुत है गाय। रेट भी जेन्युइन? हाँ जी, पूरा जेन्युइन है सर। आपको पता ही है कि अपना जो रेट होता है जेन्युइन ही होता है। तो दोस्तों पहले नंबर पर गाय भाई ने चला के दिखाई है, रेट भाई ने बता दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी भाई ने ये गाय खरीदनी हो या इस तरह की कोई और गाय खरीदनी हो तो आप कालू भाई से संपर्क कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ये गाय है, ये भी शायद प्रेग्नेंट है, फेस क्वालिटी शानदार है, हाइट लेंथ बढ़िया है, अडर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है।
निकालो भाई। ये दूसरे नंबर वाली गाय है, इसकी डिटेल और बता दो। ये राजू भाई सैकड़ ब्यांत ब्याने वाली है, दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। कितना टाइम बाकी है? अभी ले जाएगी सर, ये भी 10 रोज तो ले जाएगी। 10 दिन ले जाएगी? हाँ जी हाँ जी। 10। अच्छा, दूध कितना निकाल देगी? दूध राजू भाई ये 2.5 लीटर बड़े आराम से निकाल देगी। निकाल देगी? हाँ, अभी लूज है ना। ये देखो अडर को, अडर तो अभी बहुत लूज पड़ रहा है। ये देखो पूरा टाइट करेगी, टाइम पे टाइम आके आपको पता है बहुत ही बढ़िया आर्डर और खान क्वालिटी बढ़िया निकालेगी। ऐसा नहीं है कि मान के चलो इसका लूज होएगा आर्डर। ठीक है। हाँ, प्राइस क्या करें? प्राइस सर इनका जो अपनी छोड़ने वाली बात है ना, 70 से 3 कम छोड़। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया और खून पानी वाली गाय। तो दोस्तों दो गायों की डिटेल कालू भाई ने बता दी है, तीसरी जो गाय है वो भाई आपको चला के दिखा रहे हैं। इस गाय की भी डिटेल कालू भाई से पता करेंगे, मोल भाव की जानकारी लेंगे। चल मैं करता हूँ, मैं तो वो रस्सा वाले को भी बोला भाई कहीं से ढूंढ कर पहले ब्यांत इसने 22-23 लीटर बड़े आराम से निकाला। 25 तो ठीक ही निकाल दी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो कालू भाई इसकी क्या डिमांड करें? डिमांड सर जो अपनी बेचने वाली बात है, क्रॉस ब्रीड है आपको। ठीक है। तो हमारा जो क्रॉस ब्रीड में आपको पता है कि 4x60 की दे देंगे। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया है और लेंथ देखो गाय की बहुत ही बढ़िया। और ऐसा होता है राजू भाई, ये ऐसी गाय ना मान के चलो गर्मी सर्दी नहीं मानती। अच्छा। ठीक है। ऐसी गाय को ऐसा नहीं है कि कई बार बुखार आता है या ये इसके थन में कोई कमी आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सर्दी में कहीं भी रहे, गर्मी में कहीं भी रहे, कोई ऐसा नहीं। अभी भी देख लो टेम्परेचर आपको, कोई पता है कितनी गर्मी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। दूध भी बढ़िया निकाल दी है। हाँ, दूध आपको पहले बता दिया कि राजू भाई 25-26 लीटर का बड़े आराम से। अच्छा। हाँ जी। और कौन सी गाय वो चला? तो दोस्तों तीन गायों की डिटेल कालू भाई ने बता दी है, मोल भाव की जानकारी दे दी है, बाकी एक गाय की जो जानकारी है और पता करेंगे भाई से। ये प्रेग्नेंट है? हाँ, ये भी प्रेग्नेंट है। राजू दिखा दो भाई। ये भी अभी सेकंड ब्यांत में दूसरे आर्डर। हाँ, आर्डर इतना शानदार बनाएगी राजू भाई। हाँ। अभी इनकी जो हाइट है ना वो तो कम है। हाँ, ठीक है, लेकिन आर्डर की ऐसा नहीं है कि आर्डर से कम नहीं है। आर्डर देख सकते हो अभी लूज है, पूरा टाइट करेगी तो जितनी बड़ी गाय है ना उतना बड़ा आर्डर बनेगा। ये भी क्रॉस गाय है राजू भाई, शाहीवाल और HF में मैक्स है। बहुत बढ़िया गाय है, ठंडे सी स्वभाव की राजू भाई। क्योंकि राजू भाई आपको पता है कि जो डेयरी फार्मर होता है ना उनको कई बार ज्यादातर क्या होता है, कई बार तो ब्रीड होती है ना, तो नहीं तो ज्यादातर उनको फैंट ही चाहिए। ठीक है। तो जो ऐसी गायें क्रॉस ब्रीड की गायें जाएगी ना, तो उनका जो फैंट होता है ना भैंस के बराबर ही चला जाता है। ये तो बात है। ठीक है ना। ऐसी गायें डबल बेनिफिट हो जाता है, डबल बेनिफिट होता है। एक तो उनका ऐसी गाय का जो प्राइस होता है वो जेन्युइन होता है। ठीक है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और दूध की इनका अभी लूज है, आर्डर दिखाना, आर्डर और थन क्वालिटी देखो राजू भाई। ऐसी गाय ना कम से कम भी 26-27 लीटर तो बड़े आराम से दूध निकाल देगी। निकाल देना चाहिए। इसमें ऐसा होता है कि इसमें पैसा नहीं लगता। अच्छा। ये गाय मान के चलो के 55-50 के एरिए तेर फिर में आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। इनका जो बजट होता है वो भी जेन्युइन ही होता है। ठीक है, कम होता है। और दूध की जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा होती है और दूध भी ज्यादा होता है। रेट ठीक है नी? रेट तो बहुत ऐसी मान के चलो राजू भाई, क्रॉस ब्रीड की गाय जो ज्यादातर होती है ना, क्रॉस ब्रीड की गाय में ऐसा होता है पैसा भी कम लगता है और दूध ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और दूध और फैट की मात्रा भी ठीक होती है वो ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका जो कितना टाइम बाकी है बहने? अभी कम से कम भी राजू भाई 8-10 रोज तो बड़े आराम से लेके जाए। 8-10 रोज। अच्छा। प्राइस राजू भाई इनका जो मान के चलो छोड़ने वाली बात है 53 की छोड़। 53 की। बहुत शानदार है राजू भाई, कलर क्वालिटी और खून पानी वाली। आर्डर शानदार बनाएगी, पूरा मोटा थान निकालेगी, कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंचल में या कोई आर्डर में कोई कमी आएगी। हाँ, ना, क्योंकि पूरा फिट आर्डर बनाएगी, लटकता आर्डर नहीं बनाएगी। नहीं नहीं, बढ़िया क्वालिटी की गाय है राजू भाई। आपको पता ही है कि अपनी रेगुलर वीडियो है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है राजू भाई, रेगुलर वीडियो उस आदमी की आएगी, आप भी उसके साथ ही चलोगे जो सही आदमी। हाँ, ये तो ठीक है। ये तो बिल्कुल, क्योंकि
कोई भी कस्टमर आ रहा है अपना भगवान का रूप है सबसे पहले तो यही बात है। हाँ, ये सही है, ठीक है ना, उनको सेटिस्फाइड करना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आज तक आपको कोई लाना नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। आपके चैनल की कोई भी वीडियो, जितनी भी वीडियो आपके चैनल पर कालू की डली हुई है, हर एक वीडियो हम कालू की सबसे ज्यादा चली हुई है। कोई 30,000 है, कोई 50, क्योंकि क्यों चली है, वो प्यार देते हैं किसान भाई, प्यार देते हैं। प्यार क्यों देते हैं? जो काम अच्छा करते हैं। देखने वीडियो तो तभी देखते हैं ना, अभी मान के चलो अगर भाई की बातें अच्छी लगती है या जो क्वालिटी आप दिखा रहे हो वो बढ़िया है या रेट जेन्युइन है तभी देखते हैं, वरना कोई नहीं देखता। नहीं देखता क्योंकि सर आपको पता है कि आज अच्छा चलेंगे ना, कल भी फिर ही अच्छा हो। ये तो सर पैसा है, पैसे में पैसा तो एक घंटे में बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आदमी नहीं जुड़ता सर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोई भी कस्टमर आता है उनको जेन्युइन रेट मिलेगा, ठीक है, रेट कम और दूध ज्यादा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी दूध की मिले, ठीक है। तो वो तो आपको पता है कि वो तो कस्टमर को यही चाहिए, पैसा कम लगे और दूध ज्यादा मिले और बढ़िया गाय मिले, क्वालिटी में गाय मिले, ये बात ठीक है। अपने कोई भी वीडियो निकाल के, फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, हमारा चैलेंज है, ठीक है, आपके चैनल पूरा खोल लें, कोई भी कस्टमर, ठीक है, अपने चैनल पे, आपके चैनल पर कम से कम मेरी 10-15 वीडियो है, तो 10-15 वीडियो कोई भी देख लो, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कम नहीं है, नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है अपना, नेगेटिव कमेंट भी नहीं है, ठीक है, तो कोई भी ऐसी नहीं है कि कम चली है। जितनी भी वीडियो चली है सबसे ज्यादा अपनी ज्यादा चली। एक हफ्ते में एक वीडियो अपनी चलती है, चलती है तो जितनी भी वीडियो चलती है सबसे ज्यादा अपनी वीडियो ज्यादा चलती है। वो तो क्यों चलती है? किसान भाई प्यार देते हैं, उनका सोचते हैं, ठीक है। कालू डेयरी फार्म के कोई भी आता है, हर एक किसान भाई का बजट, ठीक है, उनको सेटिस्फाइड करना, ये सबसे पहला उपराला है ना। बिल्कुल जायज है, 50,000 से लेके 1.5 लाख तक की गाय हमारे पास से मिल जाएगी। कोई भी कस्टमर आता है, कई बार कस्टमर क्या होता है सर, 50,000 लगाने वाला भी होता है, ठीक है, कई बार कोई लाख लगाने वाला भी होता है। तो मान के चलो मैं यही बोल दूं कि मैं तो भाई लाख वाली दिलवाऊंगा, ऐसी थोड़ी बात है, ठीक है। हमारा तो ऐसा है कि कोई भी चाहे 50 वाला आ जाए, चाहे 80 वाला आ जाए, चाहे लाख वाला आ जाए, ठीक है, हमारा काम है, हमने तो सेटिस्फाइड करा। ये तो बस सही है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो कस्टमर को साथ जोड़ना ना, बिल्कुल ठीक है। कालू डेयरी फार्म की टीम, आपको पता है कि यही धंधा सर अपनी तीसरी पीढ़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तीसरी पीढ़ी में यही धंधा चल, काफी पुराना है, पूरा पुराना धंधा है सर, तो बहुत प्यार देते हैं। बस मैं तो फिर एक मैं यही बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इतना प्यार देते हैं। ये तो बढ़िया बात है। हाँ जी, कोई भी कस्टमर अपने पास आता है, 2-3 टाइम रह के गाय को धो के दूध निकाल के, जितनी देर तक फिर के सेटिस्फाइड नहीं होता, उतनी देर तक रहने बहने की फुल सुविधा मिलेगी, कोई खाने पीने का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, डॉक्यूमेंट परमिशन गाड़ी की सब अपनी जिम्मेदारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अपने जो गुजरात के भाई है, अभी आपको पता है कि वहाँ पे चालू हो गया था, ठीक है, मूल डेयरी ने, आपको पता है कि उनको जो बोनस है वो मिल गया, ठीक है। उनके लिए भी है कि ऐसी गाय ये दिखाना, ऐसी गाय उनको इतना शूट करेगी राजू भाई गुजरात में, ठीक है, और दूध, और उनको जो दूध चाहिए और दूध की क्वालिटी चाहिए, दूध ऐसी गाय निकाले, दूध और रेट भी उनके बजट, उनके बजट का ही है, ठीक है, उनके बजट की गाय है ये। ये तो ठीक है, गुजरात में जो ऐसी ये गाय दिखाई है, पलून बछड़ी, ऐसी गाय लूनी पुनी, आपको पता है ऐसी गाय गुजरात में चली जाए, पूरी क्वालिटी की गाय मिलेगी सर। जैसा कोई भी ये कहावत है पुराने आदमियों के, ठीक है, जैसा गुड़ डाल दोगे वैसा ही मीठा हो जाएगा। ये तो बात है, वैसा मीठा लगेगा। तो कालू भाई अपना फोन नंबर एक बार और बता दो। फोन नंबर है ये 9815786315। ठीक है, तो कालू भाई फोन किस समय कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है जी, भगवान की कृपा है, किसान भाइयों का प्यार है जी, कभी भी कर सकते हैं। इस धंधे में तो सर कभी भी लगा सकता है, कई बार कस्टमर ने कोई सलूशन ही लेना होता है, ठीक है ना, कोई बीमार है, गायें बीमार है, जहाँ कोई और दिक्कत आ रही है, उसने कई बार कोई 10-11 बजे उनको नौबत पड़ जाए तो हम फोन ना उठाए तो वो भी गलत बात। ये तो बात है, तो किसान भाइयों का प्यार है, उनकी बदौलत तो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, तो उनका कॉल नहीं उठाएंगे, उनका जो सलूशन है उनका हल नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद का। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप है? हाँ जी, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फोन करने का कोई समय नहीं है, कभी भी कर सकते हैं? कभी भी करो, कभी भी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा खुद फल मिलेगी सर, करवा दोगे? और रहने की सुविधा? फल कोई चार्ज नहीं। अच्छा, बाहर से अगर कोई भाई आता है, अगर जैसे मान लीजिए होटल वगैरह में रहना चाहता है तो वहाँ भी आप होटल जितने मैं पहले बोल चुका हूँ, जहाँ पे भी खुश है। अच्छा, कस्टमर घर पे रहना चाहता है घर पे रहो,
जो खाना पीना चाहिए वो मिलेगा, होटल में रहना चाहता होटल में। अच्छा ना, बढ़िया बात, कोई दिक्कत। तो कड़ू भाई अच्छी जानकारी दी आपने, और आज तो रेट भी कुल मिला के ठीक थे आज सर, 50 मान के चलो 50,000 से लेके 65-70 तक। नहीं, रेट जेन्युइन था और जानवर भी अच्छे ही थे आज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दूध भी बढ़िया निकालेंगे, क्योंकि सर क्वालिटी आपको पता है, जैसा मान के चलो आगे आपको पता है कि 2 महीना अभी गर्मी का, ठीक है, वैसी ही गाय आपको पता है कि ऐसी, बिल्कुल ठीक है, आगे सर्दी आ जाएगी तो थोड़ी क्वालिटी भी चलेगी। हाँ ये तो बात है ना, तो सर्दी आ जाएगी। तो कड़ू भाई वैसे तो सभी की सभी जानकारी आपने दे दी, कोई जानकारी रह गई तो आपसे संपर्क कर लेंगे। हाँ, संपर्क कर लो, कोई ठीक है। तो ठीक है कड़ू भाई, मिलते हैं अगली वीडियो। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों कड़ू भाई ने आज रेट काफी लो प्राइस किया है, और दूध और क्वालिटी काफी अच्छी है। किसी भी भाई ने गाय खरीदनी हो तो आप कड़ू भाई से संपर्क कर सकते हैं। कड़ू भाई का जो नंबर है स्क्रीन के नीचे बिल्कुल चल रहा है। अगर किसी भाई ने वीडियो डलवानी हो तो स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर नंबर चल रहा है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।